खत्म हुआ इंतजार क्योंकि उत्तर प्रदेश में आ गया है चुनावी मोड। जी हां, उत्तर प्रदेश शासन की ओर से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की आरक्षण लिस्ट जारी हो गई है। इस लिस्ट को लेकर 8 मार्च तक आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी। 12 मार्च तक इन आपत्तियों का निस्तारण कर 15 मार्च को फाइनल लिस्ट जारी कर दी जाएगी। आज जारी हो रही आरक्षण सूची को लेकर पूरे प्रदेश में दावेदारों और उनके समर्थकों के बीच बेचैनी थी। कौन सी सीट आरक्षित होगी और कौन सी नहीं, इस सवाल को जहन में लिए पिछले कई दिनों दावेदारों और समर्थक विकास भवन DPRO ऑफिस से लेकर ब्लॉक मुख्यालयों तक के चक्कर लगा रहे थे। महिला, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित और अनारक्षित सीटों के आवंटन की सूची का ये इंतजार आज पूरा हुआ। बताया जा रहा है कि 25-26 मार्च तक उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य और ब्लॉक प्रमुख पदों के लिए चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। अप्रैल से नामांकन शुरू हो जाएगा। माना जा रहा है कि 10 अप्रैल से पंचायत चुनाव की शुरुआत होगी। ये चुनाव 4 चरणों में कराया जा सकता है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत सदस्यों के 351 पदों पर, ब्लॉक प्रमुखों के 826 पदों पर, क्षेत्र पंचायत सदस्यों के 75,855 पदों पर, ग्राम प्रधानों के 58,194 पदों पर और ग्राम पंचायत सदस्यों के 7,31,813 पदों पर चुनाव होने हैं। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश ग्राम प्रधान और अन्य चुनाव की 51% सीटें अनारक्षित हैं। इसके अलावा 21% सीटें अनुसूचित जाति के लिए, 27% सीटें अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, 1% सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए और 1/3 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हैं। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने फैसला किया था कि इस बार के चुनाव में आरक्षण में रोटेशन सिस्टम का पालन किया जाएगा।